मंच पर विराजमान श्री अजय जी, श्रीमान जैन और सभी नौजवान दोस्तों, मैं गुजरात की धरती से आ रहा हूँ, महात्मा गांधी की भूमि से आ रहा हूँ और मैं सरदार पटेल की भूमि से आ रहा हूं। आजादी के आंदोलन की तरफ अगर देखा जाए तो देश की आजादी के आंदोलन को दो मुख्य धाराओं ने प्रभावित किया था। एक महात्मा गांधी के नेतृत्व में जन आंदोलन के माध्यम से, अहिंसक क्रांति के माध्यम से देश को आजादी दिलाने का प्रयास, और दूसरा सशस्त्र क्रांति से देश को आजादी दिलाने का प्रयास। और मित्रों, दोनों धाराओं का नेतृत्व किसी न किसी गुजराती के पास था। श्यामजी कृष्ण वर्मा थे जो क्रांति गुरु माने जाते थे, जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, जिन्होंने देश में क्रांतिकारियों को दिशा देने का काम किया था। और महात्मा गांधी भी गुजरात से थे, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई थी। मित्रों, अनेक महापुरुषों ने त्याग किया, तपस्या की, जीवन खपा दिया, जवानी जेल में बिता दी ताकि देश को स्वराज्य मिले। और इन लोगों के लगातार प्रयासों के कारण आखिर का वो सपना साकार हुआ, हमें स्वराज्य मिला। लेकिन स्वराज्य के बाद 6 दशक से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन देश स्वराज्य के लिए चिंतित है। उसकी अपेक्षा है कि स्वराज्य कब मिले, और इसलिए दोस्तों, अगर विश्व की प्रगति की जो भी यात्रा है, उस यात्रा में अगर हिंदुस्तान को अपनी जगह बनानी होगी तो पहली आवश्यकता है हम स्वराज्य पे बल कैसे दें। और जब मैं स्वराज्य कहता हूं, तब जिस भाषा को आप समझते हैं उस भाषा में अगर कहूं तो गुड गवर्नेंस। आज सारी समस्याओं की जड़ में एक प्रमुख बीमारी है तो ये है। मित्रों, आज पूरे देश में, दुनिया में गुजरात के विकास यात्रा की चर्चा हो रही है। उस विकास यात्रा के मूल में अगर कोई गहराई से देखेगा तो एक बात पर बल दिया है, और वह है गुड गवर्नेंस। और लेकिन हम एक कदम आगे हैं। मैं जब गुड गवर्नेंस की चर्चा करता हूं तो मैं अपने मॉडल की बात करता हूं तो मैं कहता हूं P2G2, प्रो पीपल गुड गवर्नेंस। आमतौर पर हमारे यहां शासन फायर फाइटर का काम करता है, समस्याएं हुई शासन उसको फॉलो करता है, दौड़ता है, रास्ता खोजता है। मित्रों, शासन का काम है स्थितियों को विजुलाइज करें, नए आयामों की खोज करें, स्थितियों बदलने का संकल्प करें,
और उसके अनुकूल नई व्यवस्थाओं को विकसित करें। लेकिन हम पिछले 6 दशक से ज्यादा समय से देख रहे हैं कि हम उन कामों को करने में विफल हुए हैं, और उसका नतीजा यह हुआ है कि आज देश के अंदर एक निराशा का माहौल है। देश निराशा की गर्त में डूब चुका है। हर किसी को लगता है यार छोड़ो क्या होना है, सब चोर है, सब बेकार है, पता नहीं यार ईश्वर की क्या इच्छा थी हमको इस देश में पैदा किया। नहीं मैं तो यार पढ़ाई पूरी करके भागना चाहता हूं, जाना चाहता हूं, कहीं कुछ कैरियर के लिए सोच रहा है। यह आवाज सब दूर सुनाई दे रही है मित्रों, लेकिन मेरी सोच अलग है। मेरे गुजरात के, मेरा 4th term है जब मुख्यमंत्री के नाते मैं कार्य कर रहा हूं, और मैं अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि यही कानून, यही कॉन्स्टिट्यूशन, यही रूल्स एंड रेगुलेशन, यही मुलाजिम, यही फाइलें, यही दफ्तरें, यही लोग, इसके बावजूद भी हम आगे बढ़ सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं गुजरात के उदाहरण के आधार पर कह सकता हूं, मित्रों यहां आप लोग बैठे हैं, एक ही चीज को देखने का अलग अलग नजरिया होता है। मान लीजिए मैं आपको दिखाऊं, तो आप में से जो आशावादी होंगे वो कहेंगे आधा ग्लास भरा हुआ है, जो निराशावादी हैं वो कहेंगे आधा ग्लास खाली है। मित्रों मैं ये 2 रास्तों से एक अलग रास्ते का इंसान हूं, मेरी तीसरी सोच है, और मेरी सोच ये है, ये ग्लास भरा हुआ है आधा पानी से आधा हवा से। मित्रों मैं होप के संबंध में, आशा के संबंध में इतना विश्वस्त हूं, इतना आश्वस्त हूं कि हम स्थितियों को पलट सकते हैं। मुझे भी एक देश के एम्बेसडर मिलने आए थे, काफी फॉर्मल बात होने के बाद वो धीरे से राजनीति की ओर जाने की कोशिश की उन्होंने, और उन्होंने मुझे पूछा कि आपको क्या लगता है हिंदुस्तान के सामने 2 प्रमुख चैलेंजेस क्या है। मैंने उनको सहज जवाब दिया था, मैंने कहा हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हम अपॉर्चुनिटी का यूज कैसे करें। तो उन्होंने पूछा कैसे, मैंने कहा कि मेरा देश दुनिया का सबसे नौजवान देश है, 65% जनसंख्या मेरी below 35 है, पूरा यूरोप बूढ़ा हो चुका है, चाइना बूढ़ा हो चुका है, विश्व के में सबसे नौजवान देश है ये, 35% पॉपुलेशन अगर बिलो 65% पॉपुलेशन अगर बिलो 35 है, लेकिन दुर्भाग्य मेरा यह है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा डेमोग्राफिक स्कोप, इसको हम उपयोग नहीं कर पा रहे, ये सबसे बड़ी चैलेंज है। दूसरा उन्होंने पूछा, मैंने कहा मेरा देश गरीब नहीं है, हमारे पास अपार भू संपदा है, धन संपदा है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारा पूरा ईस्टर्न इंडिया देख लीजिए नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल कर करके
समृद्धि की ओर जा नहीं पा रहे हैं और इसलिए हम अवसर को खोते चले जा रहे हैं। अवसर को कैसे पकड़ना, उसको कैसे चैनलाइज करना, उसको उसमें से कैसे वेल्थ क्रिएट करना, उसमें से कैसे डेवलपमेंट करना, उस चैलेंज को हमने पूरा करना है। भाई बहनों, इन दिनों गुजरात की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन गुजरात ने अपने विकास की यात्रा के मॉडल में एक बात का ध्यान रखा है। हम सिंगल पिलर पर अपना टेंट खड़ा करना नहीं चाहते हैं और इसलिए हमने हमारे पूरे डेवलपमेंट मॉडल को तीन आधार पर डेवलप किया है। वन थर्ड एग्रीकल्चर, वन थर्ड इंडस्ट्री एंड वन थर्ड सर्विस सेक्टर। और हमारी कोशिश यह है कि हमारे इन तीनों क्षेत्रों का विकास एक समान रूप से हो और कभी एक आध में कोई कठिनाई आ जाए, रुकावट आ जाए, तो दूसरे दो उसको सपोर्ट करें। और इसके कारण स्टेट की इकोनॉमी कभी चरमरा न जाए, कभी संकट में न आ जाए। और मित्रों, आज मैं गर्व से कह सकता हूं हमारे देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ, आप तो इस क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, गूगल गुरु के शिष्य हैं और इसलिए आपके पास हर इंफॉर्मेशन उंगली पर मौजूद होती है। 20 साल से यह देश एग्रीकल्चर ग्रोथ का टारगेट 4% तय करता है, लेकिन 2-2.5% पे आकर के लुढ़क जाता है। मित्र, गुजरात कभी एग्रीकल्चर स्टेट नहीं रहा। गुजरात यानी रेगिस्तान, और हमारी तो हालत यही है, इधर हमारे यहां रेगिस्तान, उधर पाकिस्तान। बारिश पर हमारी सारी दुनिया डिपेंडेंट है, उसके बावजूद भी मित्रों, जो राज्य 7 out of 10 years वाटर स्कैर्सिटी से गुजारता था, आज वो राज्य पिछले दशक में 10%+ एग्रीकल्चर ग्रोथ कर करके एक नया इतिहास रचा है। और ये अचानक नहीं हुआ है दोस्तों, इसके लिए कड़ी मेहनत की गई है। आप मीडिया के अंदर देखते हो कि मोदी का वाइब्रेंट गुजरात समिट होता है, बहुत बड़ा होता है, अभी अभी एक वाइब्रेंट समिट हो गया, दुनिया के 121 देश के लोग मौजूद थे। मित्रों, मेरा जो वाइब्रेंट समिट होता है वो सिर्फ 2 दिन होता है और वो भी 2 साल में एक बार होता है, लेकिन मैं एवरी ईयर मई जून महीने में, जबकि गुजरात में टेम्परेचर 44 डिग्री होता है, एक महीने के लिए कृषि महोत्सव करता हूं। मेरी सरकार के 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी मेरे साथी गांव जाते हैं, खेतों तक जाते हैं और लैब से लैंड तक नॉलेज ट्रांसफर कैसे करना, नए इनोवेशंस को खेत तक कैसे पहुंचाना, उसके लिए जी जान से जुटे रहते हैं। मित्र, हिंदुस्तान के अंदर मनुष्य के पास हेल्थ कार्ड नहीं है, लेकिन गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां किसानों के पास सॉइल हेल्थ कार्ड है और उसके कारण उसे पता चलता है कि मेरी जमीन में क्या ताकत है, क्या नहीं है, क्या कमी है, कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए, किस क्रॉप के लिए अनुकूल है, किस सीजन में क्या करना चाहिए, वो भली भांति जानता है। हमने मित्रों जल संचय का बहुत बड़ा अभियान चलाया, 6 लाख से अधिक पानी को रोकने के लिए स्ट्रक्चर बनाए, छोटे छोटे, और गुजरात अकेला राज्य है सारे देश में वाटर टेबल नीचे जा रहे हैं, वी आर ओनली एक्सेप्शनल स्टेट जहां वाटर टेबल ऊपर आ रहे हैं। मैं तो इसका परिणाम यह हुआ है कि आज मुझे स्मरण है मित्रों, मैं 2001-2 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बना था, तब मेरे यहां वी आर अ कॉटन ग्रोवर स्टेट,
23 लाख बेल्स कॉटन प्रोडक्शन था, 23 लाख गांठ। मित्रों, और इस वर्ष हमारा कॉटन का प्रोडक्ट है 1 करोड़ 23 लाख बेल्स। लेकिन अगर हम वहीं अटक जाएंगे तो मित्रों एक स्थिति ऐसी बन जाएगी कि हमारा किसान को जो मिलना चाहिए मिलना नहीं मिलेगा, किसान परेशान होने की स्थिति आएगी। तो नेक्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि वैल्यू एडिशन कैसे करें, और वैल्यू एडिशन की दिशा पर हमने बल देने का प्रयास किया है। मित्रों, एक अभी हम टेक्सटाइल पॉलिसी लाए हैं, और मेरा टेक्सटाइल पॉलिसी का मेरा मतलब यह है कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कॉटन ग्रोवर अपना कॉटन बेचने के लिए दर दर भटकता रहे, और इसलिए मेरी एक 5-year फॉर्मूला है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। जहां कॉटन होगा वहीं धागा बनेगा, जहां धागा है वहीं कपड़ा बनेगा, जहां कपड़ा है वहीं रेडीमेड गारमेंट बनेगा, और वहीं से उसको दुनिया में एक्सपोर्ट करूंगा और मेरे किसान की इनकम बढ़ेगी। और इसलिए मित्रों, जब तक हम इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं लेते हैं, अब ये वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की दिशा में मैं जा रहा हूं जो मेरे किसान को मजबूत करेगा, मेरे किसान की ताकत को बढ़ाएगा, और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और आज मैं मेरे राज्य की इकोनॉमी में 1/3 हिस्सा एग्रीकल्चर के द्वारा हो रहा है। मित्रों, एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ है एनिमल हस्बेंड्री। मित्रों, यहां बैठा हुआ कोई भी नौजवान, कोई दोस्त ऐसा नहीं होगा जिसको अगर चाय पीने की आदत हो और चाय में दूध गुजरात का न हो। आप दिल्ली वाले जो दूध पीते हैं वो गुजरात से आता है। मित्रों, आज यूरोप में जाओ और कभी भिंडी की सब्जी खाओगे तो विश्वास करना वो भिंडी की सब्जी गुजरात से आई है। आप सिंगापुर जाइए, दूध मांगेंगे, मैं मित्रों विश्वास से कहता हूं वो दूध गुजरात से आया है। आप अफगानिस्तान जाए और टमाटर खाएं तो लिख लेना वो टमाटर गुजरात से आया है। मित्रों, हम एग्रीकल्चर सेक्टर को किस प्रकार से बदलाव लाते हैं और बदलाव का असर कैसा होता है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। महाराष्ट्र की सीमा पर, भाई कोई समय सीमा का, भाई आप लोगों पर भरोसे हैं। क्योंकि मैं कभी टीचर नहीं रहा, इसके कारण 45 मिनट का मेरा क्योंकि टीचर के कंप्यूटर में वो चिप होता है, 45 मिनट का प्रोग्रामिंग होता है। मित्रों, हमारे यहां महाराष्ट्र से सटा हुआ एक ट्राइबल बेल्ट है, उस ट्राइबल बेल्ट के कुछ किसान मुझे एक बार मिलने आए। मैं बहुत साल पहले जबकि राजनीति में नहीं था तो ट्राइबल बेल्ट में काफी काम करता, तो मैं उस इलाके से परिचित था। उन्होंने कहा, साहब हमारे यहां कुछ रोड्स का करिए आप। मैंने कहा, भाई तुम्हारे यहाँ तो रोड बहुत अच्छे हैं, पक्का डामर की सड़क है, क्या चाहिए तुम्हें? और मैंने कहा, 2-लाइन रोड है। नहीं नहीं बोले साहब, रोड तो है, अच्छे रोड है, लेकिन हमारी कुछ कठिनाइयाँ है और हमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट चाहिए। मैंने कहा, क्या यार, क्या करोगे वहाँ जंगलों में? तो बोले, अब हम फिनलैंड के साथ एग्रीमेंट किया है और हम बनाना की खेती करते हैं और हमारा बनाना एक्सपोर्ट होता है। लेकिन ट्रक में जब बनाना लेकर के जाते हैं तो आज जो रोड है वो बीच बीच में कहीं इस प्रकार का जर्क आता है, तो हमारे 20% बनानास दब जाते हैं, और इसलिए हमें पेवर रोड चाहिए। मित्रों, दिल्ली के भी सभी इलाके में पेवर रोड नहीं होगा।
देखिए हमारे देश के नागरिक की सोच, देखिए उसका दम, देखिए ट्राइबल की सोच, देखिए वो कहता है कि दुनिया के बाजार में मुझे बनाना पहुंचाना है, मेरे बनाना को कोई डैमेज ना हो, इसलिए मुझे पैवर रोड की जरूरत है। मित्रों, ये एस्पिरेशन मेरे देश के नागरिकों के अंदर हो तो इस देश का भविष्य उज्ज्वल है, मैं साफ देखता हूं। मित्रों, एनिमल हस्बेंड्री, हम एक यानी मैं जब गुड गवर्नेंस की बात करता था और गुजरात मॉडल की आप लोग चर्चा सुनना चाहते थे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हम एक मेडिकल कैंप करते हैं रेगुलर कैटल्स के लिए। हर वर्ष करीब 2,500-3,000 कैटल कैंप लगते हैं मेरे, और उनका मेडिकल चेकअप, उनका ऑपरेशन, बहुत डिटेल में उसकी सारा अभियान चलता है। उसका परिणाम क्या है मित्रों, पिछले 6 साल में ये रेगुलर मेडिकल कैंप का परिणाम ये आया है कि मेरे यहां जो कैटल है, जो आम तौर पर छोटे मोटे उनको डिसीज होते थे, ज्यादा बारिश हो गई तो कोई डिसीज हो जाता है, कुछ खाने में आ गया तो डिसीज हो जाता है, बहुत धूप हो गई तो डिसीज हो जाता है, मित्रों आज 6 साल के लगातार कोशिश का परिणाम ये है कि 120 डिसीज कैटल्स के टोटली इरेडिकेट हो गए हैं, टोटली इरेडिकेट। और उसका परिणाम यह आया है कि आज मेरे मिल्क में, मिल्क प्रोडक्शन में 80% इंक्रीज है, 80% वृद्धि हुई है मित्रों। और अगर मेरे मिल्क प्रोडक्ट में 80% इंक्रीज होना, मतलब जो गरीब किसान अपने घर में एक पशु रखता है उसकी आय में कितनी वृद्धि हुई होगी आप अंदाज कर सकते हो। और जब गांव के अंदर आय में वृद्धि होती है तो गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है, और जब गांव की खरीद शक्ति बढ़ती है तभी राज्य की इकोनॉमी आगे बढ़ती है। और इसलिए हमारी कोशिश है उसकी परचेजिंग पावर कैसे बढ़े, उसका परचेजिंग पावर कैसे बढ़े, और उस पर हम बल दे रहे हैं। और परचेजिंग पावर तब नहीं बढ़ता है जब तक कि हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, हमारा ग्रोथ का चार्ट सस्टेन नहीं करता है। अगर वो लचीला है, ऊपर नीचे होता है तो स्थिति पर नहीं आती है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और लगातार ऊपर उठना चाहिए, और इसको हम लगातार 10 साल से मॉनिटर करके कर रहे हैं। मित्रों, सर्विस सेक्टर में हम गुजरात के लोग उतने आगे नहीं थे। सर्विस सेक्टर का एक सबसे बड़ा क्षेत्र होता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, सबसे बड़ा सेक्टर होता है टूरिज्म। गुजरात इज द बेस्ट टूरिस्ट, आप दुनिया में कहीं पर भी जाओ साहब वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और 5-स्टार होटल में भी डिब्बा खोल करके थेपला निकाल करके खाता नजर आएगा। लेकिन गुजरात वॉज नेवर ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मित्रों, पिछले 5 साल से हमने लगातार कोशिश की और आज हिंदुस्तान का टूरिज्म ग्रोथ है उससे पिछले 3 साल का गुजरात का टूरिज्म ग्रोथ डबल है। और अब अमिताभ बच्चन स्वयं घर घर जाकर के कहते हैं कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। और मुझे विश्वास है आप लोग जरूर कभी न कभी आओगे और हो सकता है रहने का पसंद करोगे। तो मित्रों, सर्विस सेक्टर में भी हमने काफी बल दिया है और उसका एक परिणाम आया है। मित्रों, एक एजुकेशन का क्षेत्र देख लीजिए। जब 2001-2 का काल था तब मेरे गुजरात में 11 यूनिवर्सिटीज थी, टुडे वी हैव 42 यूनिवर्सिटीज। और मैं यूनिवर्सिटी जब कहता हूं तब वी आर फर्स्ट इन द वर्ल्ड वेयर वी हैव ए फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। मित्रों, आज पूरी दुनिया में क्राइम वर्ल्ड ने रूप बदल दिया है। हॉलैंड में बैठा हुआ बच्चा हैकिंग करके आपकी बैंक में से सारे रुपए उठा के ले जा सकता है। साइबर क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, इकोनॉमिक ऑफेंस बढ़ते जा रहे हैं। उन सारी दुनिया में से अगर हमको कोई व्यवस्था खड़ी करनी है तो फॉरेंसिक साइंस इज ऑनली वे। और दुनिया में कहीं पर भी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी नहीं है, वी आर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। और आज इजराइल, जो कि सिक्योरिटी की दुनिया में बहुत बड़ा माना हुआ नाम है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, दुनिया के समृद्ध देश,
हमारी फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ करके उसके डेवलपमेंट के अंदर हमारे हिस्सेदार हैं और ग्लोबली हमने अपना एक रेपुटेशन प्राप्त किया है। मित्रों, हिंदुस्तान में गुजरात एक पहला राज्य है जिसने रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई है। मित्रों, आप दिल्ली के अंदर इन दिनों काफी गुस्से में हैं, आक्रोश में हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के। हर कोई इसके लिए अपनी चिंता जताता है, मैं यहां आलोचना करने आया नहीं हूं, लेकिन क्या आप रास्ते खोज सकते हैं? मित्रों, आज क्या है, आज लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के सीमा में कहां आता है तो ज्यादातर क्या होता है, हमारे यहां जो पुलिस का रिक्रूटमेंट है वो कैसे होता है, बॉडी की साइज पे होता है। अगर वो 6 फुट का है तो उसकी भर्ती हो जाती है, 6-8 महीना वो इधर उधर उसको दौड़ाते हैं, हाथ में बंदूक पकड़ा देते हैं, यूनिफॉर्म आ जाता है, कानून उसके हाथ में आ जाता है। मित्र, उसमें बदलाव की जरूरत है। गुजरात ने एक परिवर्तन लाया है और हमने एक रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी बनाई है और रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में जो भी सिक्योरिटी फील्ड में जाना चाहता है, चाहे आर्मी में जाना चाहता हो, एयरफोर्स में, कहीं पर भी, वो 10वीं के बाद उस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकता है, 12th के बाद ज्वाइन कर सकता है और रेगुलर 3 साल का 5 साल का कोर्स कर करके और उसमें सब विषय उसको पढ़ाए जाते हैं। उसको मॉब साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है, उसको लॉ कानून भी बताया जाता है, संविधान भी पढ़ाया जाता है और एक परफेक्ट, और जब जाकर के वो पुलिस में जब भी जा रिक्रूटमेंट होगा वो जाएगा, भर्ती के लिए खड़ा हो जाएगा और इसलिए क्वालिटी मैन पावर ये हम ला सकते हैं। मित्रों, आज गुजरात का पुलिस बल जो है वो हिंदुस्तान का सबसे नौजवान पुलिस बल है। इतनी बड़ी मात्रा में हमने 20-22-25 साल के नौजवानों को भर्ती किया है और उसमें वो टेक्नो से भी होना चाहिए, हमारा आग्रह रहा है। और आज मेरे यहाँ कांस्टेबल लेवल के लोग भी काफी टेक्नो से भी, पूरी टीम मेरे पास है। यानी हम किस प्रकार से बदलाव लाते हैं। मित्रों, वी आर फर्स्ट जिसने एक यूनिवर्सिटी चालू की है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन, IIT। मित्रों, आज हमारे देश में से IIM है, IIM से CEO निकलते हैं और दुनिया में से कैंपस इंटरव्यू होकर के विश्व के अंदर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO बनते हैं। लेकिन आज आप किसी भी परिवार को पूछोगे कि आपकी एक इच्छा बता दीजिए क्या है, कितना ही धनी इंसान क्यों ना हो, उसको अगर एक इच्छा पूछते हैं तो बताता है कि मुझे मेरे बेटे की बेटी की अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए। हर माँ बाप अरबों खरबों का मालिक क्यों ना हो, उसको अपने बच्चे के लिए अच्छा टीचर चाहिए। मित्रों, क्यों ना हम साइंटिफिक ढंग से अच्छे टीचर तैयार करने के लिए काम करें। वी आर द फर्स्ट इन इंडिया हु स्टार्टेड दिस यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन। 12th के बाद जो टीचर बनना चाहता है उसकी पूरी 5 साल वहीं ट्रेनिंग होगी और टीचर बनकर के आएगा। और मित्रों, मेरा सपना है पूरे विश्व को मिलियंस ऑफ मिलियन टीचर्स की आवश्यकता है। हिंदुस्तान के पास नौजवानों की फौज है, हम सब कुछ एक्सपोर्ट करते हैं, क्यों ना हम टीचर एक्सपोर्ट करें। और मित्रों, मैं साफ कहता हूं, एक व्यापारी जाता है दुनिया के देश में, कोई माल एक्सपोर्ट करता है या व्यापार करता है तो वो डॉलर और पाउंड पर कब्जा करता है, लेकिन एक टीचर जाता है तो पूरी पीढ़ी पर कब्जा कर लेता है जी, ये ताकत होती है। मित्रों, भारत ने उस रूप में देखना चाहिए चीजों को, इस विजन के साथ देखना चाहिए। हमने अपने एक कोने में अपने आप को फंसाए रखने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार से मित्रों, दूसरा है हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के सेक्टर में ये बात सही है मित्रों कि हम इसलिए पिछड़ रहे हैं कि हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन में ध्यान नहीं दिया। मित्रों, एक समय था गुजरात में अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहलाता था, कपड़े की मिलें इतनी बड़ी मात्रा में थी, जहां भी देखो आपको कपड़ों की मिलों की बहुत बड़ी बड़ी चिमनियां दिखती थी। वो पूरा उद्योग नष्ट हो गया आज से 30-40 साल पहले। कारण क्या,
क्या लोगों को कपड़ों की जरूरत नहीं थी क्या? जरूरत थी, मार्केट तो बहुत बड़ा था, लेकिन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करके कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर खड़े रहने के लिए जो परिवर्तन की जरूरत थी वो नहीं कर पाए। मित्रों, हिंदुस्तान को दुनिया की बदलती हुई चीजों में अपनी जगह बनानी है तो इस बात को हमने देखना होगा, हमने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इज मस्ट। मित्रों, आज सारे विश्व का ध्यान हिंदुस्तान की तरफ है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा बाजार है। सारे विश्व को लगता है कि यहां पर हम हमारी चीजें डंप कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान के अंदर बड़े आसानी से माल बेच सकते हैं। मित्रों, समय की मांग है कि हम तय करें कि हम पूरे विश्व को बाजार बनाएंगे और हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लीड कर करके दुनिया के बाजार में हमारा माल डंप करेंगे। और इसके लिए मित्रों ब्रांडिंग जरूरी होता है। आपको मित्रों, आपने शायद आपके को वो नसीब आया नहीं, लेकिन हम जिस आयु के हैं अजय और हम जब छोटे थे तो बाजार में मेड इन जापान सुनते ही अच्छा हो ले लिया, मेड इन जापान उठाओ, पेन भी है मेड इन जापान उठाओ। कोई पूछता नहीं था कि किस कंपनी का प्रोडक्ट है, इस किस कंपनी, कोई नहीं पूछता था, सिर्फ मेड इन जापान। कभी कंपनी का नाम नहीं था, गांव का नाम नहीं, कुछ नहीं था। मित्रों, क्यों ना हम दुनिया के सामने मेड इन इंडिया का बिल्कुल हमारा ढोल न पीट दें। लेकिन ये ब्रांडिंग करने के लिए एकाध जगह नहीं होते, कई प्रकार के विषय होते हैं। अब देखिए, अभी इन दिनों आप में से किसी को जापान जाने का अवसर मिला हो, मैं अभी मेरे यहां चुनाव के पहले जापान सरकार के निमंत्रण पर जापान गया था, 2012 अगस्त सितंबर में। मैं हैरान था, होटल में गए तो क्रॉकरी पर भी एक स्लोगन लिखा है, बिस्किट आते हैं तो बिस्किट पर भी एक स्लोगन का सिक्का लगाया हुआ है, ट्रैवलिंग का टिकट लेते हैं तो एक स्लोगन है उस पर। कोई ऐसी जगह नहीं होगी, कोई ऐसी जगह नहीं होगी जहां पर एक स्लोगन न लिखा। और स्लोगन क्या है आपसे, उस समय की बात है, 8 साल के बाद ओलंपिक का होस्ट जापान है, 8 साल के बाद ओलंपिक होने वाला है, उसकी तैयारी और उसका एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए हर जगह पर वी आर वेटिंग फॉर ओलंपिक, वी आर रेडी फॉर ओलंपिक, बी रेडी फॉर ओलंपिक, क्या माहौल खड़ा किया मित्रों। यानी ओलंपिक जब आए तब आए, लेकिन ओलंपिक के माध्यम से एक देश का सा स्पिरिट पैदा किया जा रहा है। मित्रों, हमारा उल्टा क्या हुआ? मित्रों, दुनिया इन अवसरों को किस प्रकार से उठाती है। जिन लोगों ने साउथ कोरिया के डेवलपमेंट का स्टडी किया होगा, और मैं मानता हूं मित्रों हिंदुस्तान के, और आप जिस फील्ड में पढ़ते हैं, आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप समय लेकर के साउथ कोरिया के डेवलपमेंट के पूरे स्फीयर को स्टडी करने जैसा है। मित्रों, हमारे बाप जिसको आजादी मिली, ऐसा देश थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में भी सबसे नीचे का देश, उसने दुनिया में ओलंपिक को होस्ट किया था। और मित्रों, साउथ कोरिया ने जब ओलंपिक को होस्ट किया, सारी दुनिया की आंखें फट गई थी, और वो टर्निंग पॉइंट था। सारे विश्व ने साउथ कोरिया के लोहे को स्वीकार कर लिया, तो इतनी ताकत को स्वीकार कर लिया, और बाकी सब चीजें आराम से दुनिया के अंदर प्रवेश कर गई। मित्रों, हमारे यहां कॉमनवेल्थ हुआ, क्यों किया करने वालों को मालूम नहीं। मित्रों, 100 करोड़ का देश एक इवेंट से पूरे देश का कैसे ब्रांडिंग कर सकता है। और मित्रों, ग्लोबली अगर आपको देखना है तो करना पड़ता है। और उस अर्थ में मैं कहना चाहता हूं मेरे गुजरात का वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, मैं जब अंदर आ रहा तो मैंने जैन साहब को पूछा, नौजवान क्या सुनना चाहते हो, जो विषय उन्होंने कहा वो मैं भी बोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा, भाई आपका ग्लोबल रिलेवेंस हमें समझाइए। मित्रों, आपको जानकर के खुशी होगी मित्रों, मैं दिसंबर एंड तक
चुनाव में बिजी था। लास्ट वीक ऑफ दिसंबर मेरा शपथ हुआ और जनवरी 11 को मैंने वाइब्रेंट समिट ऑर्गेनाइज किया। मेरे पास 10 दिन थे और मित्रों मुझे उस मेरी टीम की एफिशिएंसी के लिए और चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का क्या परिणाम आता है गर्व से कहता हूं। मुझे 121 कंट्रीज वेर देयर। मित्रों दुनिया के 121 देश एक ही रूप के नीचे हो और हिंदुस्तान का इंडस्ट्रियल वर्ल्ड का हुजू जिसको कहें सबके सब वहां मौजूद थे। एक प्रकार से 50% जीडीपी ऑफ द कंट्री वॉज अंडर वन रूफ। ये दृश्य जब दुनिया देखती है तो उनको विश्वास होता है, उनको भरोसा होता है, हां भाई यहां मेटल है, दम है, हम इनके साथ जुड़ सकते हैं। और एक बार हमारा प्रवाह चल पड़ता है फिर कोई रोकने वाला नहीं होता है। मित्रों आज ये बेनिफिट गुजरात को मिल रहा है और गुजरात हिंदुस्तान का एक वो इलाका है जो हिंदुस्तान की सेवा कर रहा है। ये कोई गुजरात के जेब में नहीं जा रहा है, देश की भलाई के लिए जा रहा है। अगर हम मेहनत कर करके नमक पैदा करते हैं तो आप में से कोई नहीं होगा जिसने गुजरात का नमक न खाया हो। तो काम भले ही होता हो फायदा पूरे देश को होता है। और वैसे भी हमारा मंत्र है भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, और उसी तर्ज पर हम काम कर रहे हैं। मित्र एक और हमने बल दिया है गुजरात में और वो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दो चीजों पर आग्रह से हमने काम करना चाहिए। एक, हम जो भी प्रोडक्ट करें जीरो डिफेक्ट हमारा आग्रह होना चाहिए। अगर हमें ग्लोबली अपना रेपुटेशन खड़ा करना है तो जीरो डिफेक्ट ये हमारी पहली शर्त होती है। और दूसरी शर्त होती है पैकेजिंग। मित्रों कभी कभी बढ़िया चीज भी हमारे पैकेजिंग की गड़बड़ के कारण परेशान हो जाती है, और पैकेजिंग कभी ऐसा होता है जहां डिलीवरी पहुंचती है तब तक पूरा बक्सा टूट गया होता है। मित्रों आपको जानकर के हैरानी होगी, पंडित नेहरू के जमाने में एक कमीशन बैठा था, हाथी कमीशन, जय सुखलाल हाथी करके थे, और उस समय का काम उनको दिया था कि आयुर्वेद को कैसे प्रचारित किया जाए। इतना बढ़िया हमारा नेचुरल मेडिसिन जो है उसको प्रचारित कैसे किया जाए, तो हाथी कमीशन का रिपोर्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप देखिए मित्रों हर्बल मेडिसिन में आज चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। हम जो कि ये हमारी अमानत है हमारे पूर्वजों ने की बहुत बड़ी हमें वेट है, आज हर्बल के एक्सपोर्ट में हमारा कहीं स्थान नहीं है। लेकिन उस हाथी कमीशन का रिपोर्ट बड़ा इंटरेस्टिंग, उसने पहले पेज पे लिखा है कि आयुर्वेद तब तक लोकप्रिय नहीं होगा जब तक कि आयुर्वेद के पैकेजिंग में कोई हम वैज्ञानिक परिवर्तन नहीं लाते हैं। पहले आयुर्वेद क्या था, पुड़िया होती थी, लोग पुड़िया लेके कहाँ घूमेंगे, कोई कहते हैं टैबलेट चाहिए, टैबलेट भी बढ़िया पैकेजिंग में चाहिए। ये जब से आयुर्वेद में बदलाव आना शुरू हुआ हमारे देश में भी आयुर्वेद पॉपुलर हुआ। मित्रों हमें पूरे विश्व की जो एक कंज्यूमर की साइकी है, एक बायर की साइकी है, उस साइकी को स्टडी कर करके हमने हमारे मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड को डेवलप करना पड़ेगा। और एक बार हमने अपना रुतबा जमा दिया तो मित्रों मैं मानता हूं सारी दुनिया हमारे तरफ आकर्षित होने की पूरी संभावनाएं पड़ी है और उसको लेकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। भाइयों बहनों ये वर्ष स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती का वर्ष पूरा देश मना रहा है। गुजरात सरकार भी विवेकानंद जी के 150 वर्ष की जयंती मना रहा है। हमने इसे युवा वर्ष के रूप में घोषित किया है। मित्रों तय ये करना है कि हमारे देश के युवा की तरफ हम किस नजर से देखना चाहते हैं। मुझे चिंता हो रही है कि हमारे देश का एक तबका और ज्यादातर राजनीतिक दुनिया के लोग, उनके दिमाग में हमारे देश का युवा ये सिर्फ
न्यू एज वोटर है। और अगर यही सोच रही, मैं नहीं मानता हूं कि हम स्थितियों को पलट सकते हैं। मित्रों, मैं उसी परंपरा से आ रहा हूं राजनीति की, मैं उसी अखाड़े से आया हूं, लेकिन मेरी सोच भिन्न है। मैं चाहूंगा कि मेरा देश मेरे इन नौजवानों को सिर्फ न्यू एज वोटर न माने, वो स्वीकार करें कि हमारे युवा न्यू एज पावर है। अगर न्यू एज पावर है तो फिर उनकी तरफ देखने का, उनकी शक्तियों का उपयोग करने का दृष्टिकोण पलट जाएगा। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने सपना देखा था कि मैं सांप देख रहा हूं कि मेरी भारत माता एक दिन जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी, विश्व गुरु के रूप में मैं भाई मेरी भारत मां को देख रहा हूं, और एक बार मेरी भारत माता पूरी शक्ति के साथ, समृद्धि के साथ, सामर्थ्य के साथ विश्व के अंदर नेतृत्व करती होगी। नौजवान दोस्तों, मेरा बाबा विवेकानंद के शब्दों में बड़ी मेरी श्रद्धा है। उन्होंने ये बात कहे कहे 125 साल हो गए, उनका जीवन काल 150 साल का जन्मदिन मना रहे हैं, 25 साल की आयु में विश्वास उन्होंने प्रकट किया था। क्या मित्रों, हम लोगों का दायित्व तो नहीं है कि स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती पर हम उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प करें? क्या हम लोगों का दायित्व तो नहीं है कि इस पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंका जमाने वाले इस महापुरुष से जो कहा है उसको चरितार्थ करने के पीछे अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो हम दुनिया पलट सकते हैं? मित्रों, आज समय की मांग है कि स्वामी विवेकानंद जी की 150वीं जयंती जब मना रहे हैं तब, और भारत की युवा शक्ति के भरोसे हम भव्य दिव्य भारत के निर्माण का सपना देख करके हम आगे बढ़ सकते हैं। और मित्रों, आगे बढ़ने के लिए जिन बातों की ओर बल देने की आवश्यकता मुझे लगती है, सारा विश्व कहता है 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी, कोई कहता है 21वीं सदी एशिया की सदी, कोई कहता है 21वीं सदी चाइना की सदी। मित्रों, 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी, इस पर हमारा भरोसा इसलिए है कि जब जब मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है तब तक भारत ने मानव जात का नेतृत्व किया है, और 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, और इसलिए मेरा पूरा भरोसा है कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी बन सकती है। मित्रों, 21वीं सदी बनाने का सामर्थ्य है तो हमारे युवाओं में है। हम भाग्यवान हैं इस सदी में हमारे पास विश्व के सर्वाधिक नौजवानों की फौज वाला यह हिंदुस्तान है, यह हमारी दूसरी ताकत है। और तीसरा, मित्रों, हम लोगों की पहचान क्या थी? पूरा विश्व हमको क्या मानता था? और अभी नहीं मित्रों, 10-15 साल पहले तक, 20 साल पहले तक दुनिया के कई लोगों की मान्यता यही थी कि हिंदुस्तान यानी सांप सपेरों का देश, हिंदुस्तान यानी भूत प्रेत की जमात, हिंदुस्तान यानी काला जादू ब्लैक मैजिक का दुनिया, यही हिंदुस्तान की पहचान। मित्रों, हमारे नौजवानों ने 20-22-24 साल के नौजवान विश्व में जाकर के पूरे हिंदुस्तान की छवि को बदल दिया पिछले 20 वर्ष के अंदर। एक बार मैं ताइवान गया था, ताइवान में मेरे साथ एक इंटरप्रेटर था, ये मैं 15 साल पहले की बात कर रहा हूं, तब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, तो मेरे साथ वो रहता था, 5-6 दिन का मेरा टौरा था। लास्ट डे उसके परिचय बढ़ गया तो उसने मुझे बड़े संकोच से पूछा कि साहब आपको बुरा ना लगे तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे को पूछिए। तो बोले साहब, क्या अभी भी आपके देश में सांप सपेरे वाले सारा दुनिया है? क्या अभी भी आपके यहां भूत प्रेत की दुनिया चल रही है? क्या अभी भी आपका देश अंधश्रद्धा में डूबा हुआ है? वो बेचारा वही चीजों को जानता था। मैंने कहा, नहीं, अब तो हम स्नेक चर्मन नहीं रहे हैं, हमारा काफी डिवोल्यूशन हो गया है। बोले, मतलब? मैंने कहा, हमारे पूर्वज तो स्नेक चर्मन हुआ करते थे, हमारी जनरेशन में वो दम नहीं है,
हम लोग माउस चर्मर है। और मित्रों आज मेरे हिंदुस्तान का नौजवान कंप्यूटर के माउस पे हाथ रख करके पूरी दुनिया को डुलाने की ताकत रखता है। ये ताकत मेरे देश में है, ये ताकत मेरे देश के नौजवान में है। मित्र पूरी उंगली के भरोसे पूरे विश्व का विश्व के अंदर हिंदुस्तान की पहचान बनाने का काम ये मेरे देश के 20-22 साल के नौजवानों ने किया है, इस देश के किसी नेता ने नहीं किया है। विश्व को भारत की तरफ नए नजरे से देखने के लिए मजबूर किया है। मित्रों आप लोगों को जानकारी होगी, जब क्लिंटन यहां आए थे व्हेन ही वाज़ द प्रेसिडेंट, यहां से उनका एक टूर बना था जयपुर जाने का, और जयपुर के गांव में गए थे और गांव में महिलाएं किस प्रकार से वहां का कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते हैं और कैसे कंप्यूटर कहती है और गूंगल ट्रांसलेट करके सारी महिलाएं अपना कारोबार चला रही थी। क्लिंटन को उस गांव में ले गया और सारा लाइव टेलीकास्ट चलता था। और वैसे भी हमारे देश में जो विदेश के लोग आते हैं तो हम लोग जरा ज्यादा ही बड़ा सिक्योरिटी का इंतजाम था। उस गांव के चुने हुए जो पंच था उनको सबको आई कार्ड दिया गया था, वही लोग उनके साथ साथ चलते थे और सबको बड़ी कुछ कड़ी सूचनाएं थी कि क्लिंटन आएंगे, दो मिनट यहां जाएंगे, दो मिनट यहां जाएंगे, बीच में किसी ने कुछ करना नहीं, ढिकना नहीं, फलाना नहीं, सब ये सब आपने लाइव टेलीकास्ट अगर देखा होगा तो आपके ध्यान में होगा। मित्रों वो घटना बड़ी प्रेरणा देने वाली, उस गांव में जब गए उन्होंने उस गांव को सारा देखा, उन महिलाओं को कंप्यूटर के ऊपर अपना हिसाब किताब करते देखा, घूंघट ओढ़ा हुआ था। एक वहां का पंच दलित मां के बेटा पंचायत में चुना हुआ एक व्यक्ति, वो लपक करके क्लिंटन के पास पहुंच गया। गांव वाले बड़े नाराज हो गए, ये वहां क्या पहुंच गया भाई, क्या बात करेगा, इसको तो अंग्रेजी तो आती नहीं है और ये गांव की इज्जत खराब कर देगा। और ये जाकर के क्लिंटन के साथ आंख में आंख मिला करके बोलने लगा। सारे लोग गांव के थे उनके आंख कान खड़े हो गए, ये क्या कह, लोगों को लगे यार शायद वीजा वीजा मांगता होगा। किसी को लगा शायद बेटे के लिए नौकरी के लिए बोलता होगा, किसी को लगा शायद गांव के लिए कोई पैसे वैसे मांगता होगा। मित्रों ये गरीब दलित मां का अनपढ़ भाई बेटा दुनिया की महासत्ता के नायक के सामने खड़े होकर के कहता है, और पूरे विश्व ने उस घटना को टीवी पर देखा था, वो उनको पूछता है कि मिस्टर क्लिंटन क्या आप अभी भी मेरे देश को पिछड़ा हुआ मानते हो, गरीबी में डूबा हुआ मानते हो, अंधश्रद्धा में लिप्त मानते हो। उनको जब इंटरप्रेटर ने इंटरप्रेट करके दिया तो क्लिंटन का चेहरा इधर-उधर हो गया और उन्होंने कहा नहीं, मैं अब ऐसा नहीं मानता हूं और मैं दुनिया में जहां जाऊंगा मैं हिंदुस्तान क्या है ये मैं दुनिया को बताऊंगा। मित्रों हमारे नौजवानों में सामर्थ्य है। मित्रों हमारी चमड़ी का रंग कुछ भी हो हम दुनिया से कम नहीं है, यह आत्मविश्वास की आवश्यकता है और विश्व के सामने आंख में आंख मिलाकर के काम करने की आवश्यकता है। मित्रों तीन चीजों पर बल देने का मेरा मत रहता है। अगर हमने 21वीं सदी में चाइना के साथ कंपटीशन करनी है, अगर हमने 21वीं सदी की इस अपॉर्चुनिटी को कब्जा करना है और दुनिया में पूरी ताकत के साथ खड़े होना है तो मित्रों मेरा मत है कि हमने बल देना पड़ेगा स्किल डेवलपमेंट पर। दूसरा मित्रों हमारा स्केल बड़ा होना चाहिए और तीसरी बात हमारी स्पीड तेज होनी चाहिए। स्किल स्केल एंड स्पीड ये तीन चीजों को हमने आत्मसात करने की आवश्यकता है। मित्रों आज हमारे नौजवानों के पास मस्तिष्क है, इरादा है, भुजाएं हैं, लेकिन स्किल के अभाव में वो विकास की यात्रा में हिस्सेदार नहीं बन पा रहा है। हमने गुजरात के अंदर स्किल डेवलपमेंट का अभियान चलाया है,
लाखों की तादाद में नौजवानों को स्किल डेवलपमेंट के लिए हम काफी बजट लगा रहे हैं और भारत में किसी भी जगह पर इतनी बड़ी मात्रा में नहीं हो रहा है, इतनी बड़ी मात्रा में हो रहा है। और स्किल डेवलपमेंट का नजरिया भी देखिए, हमने हमारे अफसरों को कहा कि भाई ऐसा करो, जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है जरा सूची बनाइए। तो ध्यान में आया कम से कम 1000 चीजें ऐसी हैं जिसकी हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है जीवन से मरण में। ये तो सरसरी नजर से बनाया। मैंने कहा अगर 1000 चीजों की जरूरत है मतलब 1000 प्रकार की स्किल की जरूरत है, तो हम उन 1000 टाइप ऑफ स्किल डेवलपमेंट चालू करो। मित्रों, आज हम बहुत तेजी से नए नए स्किल डेवलपमेंट के मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसका हमें बहुत परिणाम मिला। मित्रों, स्पीड, हम ऐसे काम कर रहे हैं जी कागज पर 2-2 साल निकाल देते हैं। मित्रों, आप सब लोग, आप इस क्षेत्र के विद्यार्थी हो और मेरी एक सोच है, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू ए बिजनेस, ये मेरी बिल्कुल सोच है। मित्रों, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, इसके बिना कोई चारा नहीं है। मित्रों, आप लोग नैनो कार की घटना से परिचित हैं, आपने केस स्टडी के विषय में जाना होगा। लोग कहते हैं, रतन टाटा भी कहते हैं कि भाई हम गए और बिल्कुल मिनटों के अंदर सारा काम हो गया, हमारा प्रोजेक्ट हो गया, हम प्रोडक्शन में चले गए, 1 साल गए, इसकी सारी घटनाएं जानते हैं। मैं एक और घटना सुनाना चाहता हूं आपको, मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं ना, आप लोग बताइए भाई, कंटिन्यू करें पक्का। मित्रों, एक दिन मेरे ऑफिस में एक नौजवान आया, बड़ा प्रेजेंटेबल भी नहीं था, कम्युनिकेशन भी बड़ा वीक था और ओरिजिनली वो इंडियन था लेकिन उसका जन्म अफ्रीका में हुआ था और बाद में वो कनाडा शिफ्ट कर गया था और वहीं पर वो डेवलप हुआ था, वो ओरिजिनल गुजराती था। वो मुझे मिलने आया, 5-6 मिनट वो अपनी बात बता रहा था लेकिन मुझे कुछ जम नहीं रहा था, हमारा केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही थी। मुझे लगा ये मेरा समय बर्बाद कर रहा है। मैं बिल्कुल सही बात बता देता हूँ दोस्तों, आपके सामने झूठ क्या बोलना, तो हमारी केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही थी। मैंने कहा भाई ये जल्दी जाए तो अच्छा, मुझे बहुत काम है। तो मैंने कहा ऐसा करो भाई, आपको जो काम आपके मन में है, आप बड़ौदा जाओ, वहाँ के मेरे कलेक्टर को मिलो और ये उसके लेवल पर आपका काम उसी से चर्चा करो, फिर कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। एक प्रकार से मैंने उसको टाल करके निकाल दिया, लेकिन चूंकि मेरे यहाँ एक प्रोफेशनलिज्म होने के कारण उस कलेक्टर को सूचना चली गई कि ऐसा कोई नौजवान आएगा, उसको कुछ काम है, देख लेना। लेकिन मैंने उसे हाय तोबा करके छुट्टी ली थी। आफ्टर 13 मंथ्स, एक दिन ये सज्जन मेरी ऑफिस में फिर से आए तो मेरे पीए ने मुझे कहा कि साहब ये मिलने आया। मैंने कहा यार ये वो ही होगा, मुझे भगवान की मेहरबानी है, आई हैव अ गॉड गिफ्ट। मैंने कहा ये यही होगा, आप अब पूछो ये पहले आया था क्या। तो मैंने तुरंत कह दिया नहीं यार, उसको टाइम खराब करेगा, एक बेमतलब आदमी है, समय खराब करता है, मत बुलाओ। तो मेरे पीए ने कहा नहीं नहीं साहब, वो इन्विटेशन देने आया है। इन्विटेशन? मैंने कहा बुलाओ बुलाओ उसको बुलाओ। तो कह रहा है साहब मैं आपको मिला था, अब हमारी फैक्ट्री बन गई है, आपको उद्घाटन के लिए इनवाइट करने आया हूं। मित्रों, मैं हैरान था, जो व्यक्ति मुझे मिला और मुझे कुछ दम नहीं लगा था वो मुझे कह रहा है कि मेरी फैक्ट्री बन गई। अब मैं उस पर इतना प्रभावी हो गया, मुझे इतना मेरे मन पर इंप्रेशन हो गया उसका। मैंने कहा दोस्त मैं तेरी फैक्ट्री को उद्घाटन के लिए पक्का आऊंगा। मैं गया तो मैंने वादा किया कि मैं आऊंगा, तो उसने मुझे कहा साहब फिर से 6 महीने के बाद दोबारा आना पड़ेगा आपको। मैंने कहा क्यों? अभी तो बोले फैक्ट्री का उद्घाटन है, 6 महीने के बाद हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, तो उस फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करें तब भी आपको आना है। मैंने कहा यार दो बार एक कंपनी में मेरा जाना तो क्या मतलब है, तुम अब ठीक है कर रहे हो तो मैं आ जाऊंगा। मेरे नौजवान मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक व्यक्ति जो मुझे पहली बार मिलता है वो 13 महीने के बाद मुझे अपनी फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए इनवाइट करने आता है और 6 महीने के बाद प्रोडक्ट लॉन्च करने का वादा करने आता है। और मैं उद्घाटन करके आया, फिर 6 महीने के बाद दोबारा गया और मित्रों मैंने
प्रोडक्ट क्या लॉन्च की? आप दिल्ली में जिसके लिए गर्व करते हो, उस मेट्रो ट्रेन का कोच मैंने भेजा था। आप कल्पना कीजिए स्पीड की कि एक व्यक्ति अभी तो मैप देख रहा है कि किस इलाके में जाऊं, वो 19 महीने के बाद पहला मेट्रो का कोच बनाकर के दिल्ली को डिलीवरी देता है और आज दिल्ली के अंदर जितने मेट्रो के कोच आ रहे हैं वो गुजरात से बनकर के आ रहे हैं। मित्रों, जब तक हम इस स्पीड पे काम नहीं करेंगे, होती हैं, चलती हैं, देखेंगे, करेंगे, तो दुनिया हमारा इंतजार नहीं करेगी, दुनिया आगे चली जाएगी। और इसलिए हमारी पूरी शासन व्यवस्था में, हमारी सोच में इन चीजों को बदलाव लाना पड़ेगा। और स्केल भी मित्रों, छोटे स्केल पे काम नहीं होता है, बहुत बड़े स्केल पे काम करना चाहिए। आपको कभी मौका मिले तो गांधीनगर में आइए, मैंने एक महात्मा मंदिर बनाया है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाया है, और उसको बनाने में मुझे 162 डेज लगे थे, 162 दिवस। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर वो बना है। मित्रों, स्केल कितना बड़ा होना चाहिए जिसका आप अंदाज कर सकते हैं। और इसलिए आवश्यकता है कि हम इन चीजों पर बल देते हुए हम विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएं। और एक बात निश्चित है मित्रों, सभी समस्याओं का समाधान डेवलपमेंट है, विकास के बिना कोई चारा नहीं। मित्रों, देश बर्बाद हुआ है वोट बैंक की राजनीति से, देश को आवश्यकता है डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की। अगर देश की राजनीति भी डेवलपमेंट के धुरा पर अगर चलेगी तो इस देश में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं। मित्रों, मैं फिर से कहता हूं, मैं उन इंसानों में हूं जिसको ये ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है, आधा पानी से हैं, आधा हवा से हैं, मैं उस आशावादी इंसानों में से हूं। और इसलिए मैं साफ देख रहा हूं, जो सपना स्वामी विवेकानंद जी ने देखा था वो सपना जरूर साकार होगा, इसी नौजवान पीढ़ी के माध्यम से होगा, और फिर एक बार ये भारत माता जगत गुरु के स्थान पर विराजमान होगी। आप सबके बीच आने का मुझे मौका मिला, सब नौजवानों से बात करने का अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद। श्री नरेंद्र मोदी जी, आपका हमारे मध्य शुभागमन के लिए, आपके समय के लिए, आपके अमूल्य शब्द और विचारों के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। वी थैंक यू सर फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड्स। नाउ डॉक्टर पीसी जैन आवर प्रिंसिपल वुड प्रेजेंट अ मेमेंटो टू श्री मोदी एज अ टोकन ऑफ आवर रिस्पेक्ट फॉर हिम।